तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं काइट फाइटिंग, वो भी छत से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही हमारी पतंग, रेड कलर की है और अद्धी पतंग है और काफ़ी बढ़िया पतंग है ये गोल फर्मे की। तो ये हमारी रही भाई पतंग, इसे भी हम उड़ाते हैं। और मैं आप लोग को मंजा भी दिखा दे रहा हूँ कि मंजा हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो मंजा आप भी देख सकते हैं, ये मंजा थोड़ा सा बचा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दो पेज का होगा। तो इसे हम ख़त्म कर देंगे आज। ये देखिए ब्राउन कलर का ये मंजा है। तो अभी इसी से हम इस पतंग को करते हैं पार और फिर आपको दूसरों की पतंग काट के दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पे हम अपनी पतंग पार कर लेते हैं और जो हवा यार वो नीचे तो नहीं चल रही है, लेकिन हवा ऊपर है। नीचे तो काफ़ी हल्की हवा लग रही है, बहुत मुश्किल से पतंग पार हो रही है। लेकिन जैसे ही आप पतंग को लंबा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपकी पतंग को हवा लग जाती है, मतलब जिसे शाम को कहते हैं ना सील की हवा, तो वही हवा चल रही है अभी। सील की हवा नीचे नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप पतंग पार करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया हवा देखने को मिलेगी। अभी आप देखना। तो यहाँ पे मैं अपनी पतंग जल्दी से पार कर लेता हूँ और फिर दूसरों की पतंग काट के आपको दिखाता हूँ। तो सामने ये देखिए, ये रही हमारी पतंग, थोड़ी टाइट है पतंग हमारी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला पेज आ गया है। तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी, ये मेरी पतंग है, मैं नीचे से हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से उड़ा रहा है। तो ये मैं चला अंदर को, वो देखिए हमारा अपोनेंट अपनी पतंग उठा ले रहा है। यहाँ पे वो हमारे हाथ की तरफ आया थोड़ा सा, यानी बाहर को निकाली। जैसे उनने मुड्डा मारा था नीचे, मैं उसके हाथ की तरफ दिखा रहा था, लेकिन हमारा अपोनेंट काफ़ी समझदार था, उसने क्या करा, वहीं पर ही अपनी पतंग रोक ली। तो जिसके चक्कर में हमारी पतंग यहाँ पे, पहली पतंग तो कट गई है। तो एक पेज ये लड़ रहा, इसी ने अभी हमारी पतंग काटी थी, जो आपको ये चप्पा पतंग दिख रही है रेड कलर की। तो ये देखिए नीचे से है, और जो ब्लू कलर की पतंग है वो ऊपर से उड़ा रहा है। तो यहाँ पे ये भरने की कोशिश कर रहा है रेड वाला, लेकिन टावर आ रहा है, इस चक्कर में ये भर नहीं पा रहा है। ये देखिए चला चला चला, काफ़ी अंदर चले गया। देखिए लगता है हाथों से ही काटेगा, उसकी सद्दी काट देगा ये। देखिए कितना अंदर चले गया, और ये खींची ने, और वो रहा ब्लू वाला, और कट जाएगा ब्लू वाला। लेकिन नहीं, चप्पा वाले की जो पतंग थी काफ़ी छोटी हो गई थी, और ये देखिए कन्नों के पास से ही कट गई इसकी पतंग। और यहाँ पे देखिए गिलहरा पतंग इसे लपेटने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं इसके उसमें आती है नहीं आती है। नहीं, पूरे कन्नों के पास से काटी है देखिए पतंग। ये पतंग काट सकता था उसकी नीले वाले की, लेकिन इसकी पतंग काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी। और देखिए इसकी पतंग ये गिर रही है, गई, ये देख गिर गई। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और पेज लड़ रहा है पीछे से। तो जो आपको रेड कलर की पतंग दिख रही होगी, ये नीचे से है, और ब्लू कलर वाली पतंग ऊपर से है। और अभी ब्लू कलर वाली ने एक पतंग काट रखी है, तो जो रेड कलर वाला अभी कटा था उसी ने अपनी दूसरी पतंग छोड़ी है। ये देखिए अंदर चला, ये ब्लू वाले ने मुड्डा बनाया, उसके हाथ की तरफ का मारा काफी बढ़िया, और पतंग काट दी। तो उसके हाथ की तरफ का हल्का सा इनने मुड्डा मारा था, और काफी बढ़िया पतंग काट दी है इसने। तो दोस्तों, अभी हमारी पहली पतंग तो कट गई थी। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरी पतंग छोड़ रहा हूँ, ये भी गोल फर्मे की पतंग है ब्लैक कलर की। और ये मंजा रहा, अब क्या इस मंजे से छोड़ता हूँ मैं पूरा। अभी 12 रील का मैंने खोला है मंजा, ये तलत भाई का। तो देखते हैं कि ये मंजा कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये पतंग हम अपनी पार कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा, हमारी जो पहली पतंग थी वो पेस तो मैंने सही लड़ाया था, लेकिन हमारा अपोनेंट भी समझदार था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की तरफ का मतलब रुक दिया, उसने अपनी पतंग वहीं रोक ली, तो जिससे कि मेरी पतंग कट गई। तो यहाँ पे अभी हम ई वाली पतंग पार करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, और इस मंजे की टेस्टिंग भी हो जाएगी। मंजा अभी मैंने पहला ही तोड़ बांध रहा हूँ इससे मैं, ये 12 इल का मंजा मैंने अभी अभी खोला है नया। तो यहाँ पे देखिए, हमारी पतंग तो पार हो गई है। तो डायरेक्टली मैं आपको पेड़ लड़ा के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी पतंग पार कर ली। तो जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है, और जो ब्लू कलर के सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी हमारे अपोनेंट की पतंग है। लेकिन यार वो शायद पेज लड़ाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं लड़ाने जाता हूँ अपनी पतंग बार बार नीचे कर लेता है। ये देखिए फिर से मैं गया, देखिए हल्की सी पतंग में पटक रहा हूँ ना, तो वो अपनी पतंग बार बार नीचे कर ले रहा है। चलो ये तो लड़ा नहीं रहा है, किसी और से पेज लड़ा के आपको दिखाता हूँ फिर मैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे एक लड़ाने आ गया बंदा पेज। तो जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी हमारी पतंग, हम नीचे से, और जो पतंग आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से लड़ा रहा है। तो देखिए नीचे से मैं चला, ये पतंग मैंने उसे उठा के दे दी है, मार मुड्डा तू। देखिए कितनी उठा दी है मैंने पतंग, वो डोर मिलाने की कोशिश कर रहा है, डोर मिला के काटना चाह रहा है हमारा अपोनेंट। फिर से मैंने अपनी पतंग खड़ी करके दी है। एक्चुअली ना पतंग आप चलाते रहोगे ना अंदर बाहर तो समझ ही नहीं पाएगा। ये देखिए कितना चालाक है वो, रुक दे रहा था हमारे हाथ की तरफ का, लेकिन मैंने पतंग रोक ली। तब भी मैंने पतंग ऐसी रोके रही थी, मुझे लगा था कि वो दोबारा मुड्डा मारेगा, लेकिन उसने मारा नहीं। कोई नहीं, बस पतंग चलाते रहा करो आप अपनी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा आप कहाँ का मुड्डा बनाओगे। देखो पतंग चला रहा हूँ मैं, बस यही चलानी आपको। ये मैंने खींची डबल का पेज बनाए और यहाँ पे पेज आ गया है, और ये देखिए पतंग हमने काट दी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा डबल का पेज बन गया था, और बस मैंने हल्की सी चुटकी मारी और हमारे अपोनेंट की पतंग काट दी। तो ये देखिए हमने काट दी ये पतंग, और यहाँ पे मेरे हाथ में भी थोड़ा सा उलझ गया था। चलो दूसरी पेज लड़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पेज आ गया। तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग है हम नीचे से, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है ऊपर से है। लेकिन हमारा जो अपोनेंट है वो हमारा मुंह पकड़ रहा है, ये देखिए। तो ये मैं गया, ये पतंग मैंने थोड़ी सी पटकी है, क्योंकि हमारा अपोनेंट हमारा मुंह पकड़ रहा है बार बार। थोड़ा अंदर गया मैं, पतंग उठाई हल्के हल्के थपकियों से और बाहर खींची, और फिर से डबल का पेज बन गया पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे फिर से मैंने चुटकी मारी और मैंने उसकी पतंग काट दी। लेकिन काटने के बाद जैसे ही मैंने अपनी पतंग टाइट करी थोड़ी सी, मेरी पतंग में घिसता लग गया और मेरी पतंग भी यहाँ पे टूट गई। तो दोस्तों एक और पतंग मैंने छोड़ दी है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी हमारी पतंग है, और जो पतंग आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारे अपोनेंट की पतंग है। तो हमारे जो अपोनेंट की पतंग है वो काफ़ी ख़राब है, तो देखते हैं कहाँ से वो उड़ाना चाह रहा है। ऐसा करता हूँ मैं ऊपर से उड़ाता हूँ। तो ये देखिए ये गया मैं, ये गया, मैंने पतंग रखी है, बस रखने की देर थी क्योंकि मेरी पतंग टाइट ही इतनी थी, जैसे ही मैंने रखी उसकी पतंग कट गई। चलो दूसरा पेज लड़ाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो ये वाली पतंग छोड़ी है इससे दो पतंगें काट दी हैं, और एक पेज तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अभी हमारा तीसरा पेज लड़ रहा है। तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग है हम नीचे से, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से लड़ा रहा है। तो हमारा अपोनेंट देखिए पतंग चला के अपनी डोर टाइट कर रहा है, ये उसने पटकी, मैंने पट मारा था लेकिन डोर नहीं मिली थी। फिर से मैं अंदर गया उसके, मैंने मुंह बनाया, इसने मारी, मैंने फिर से, मुझे लगा था कि पेज पड़ गया है लेकिन पेज अभी भी नहीं आया था, पता नहीं डोर मिली नहीं थी हमारे अपोनेंट की। तो अभी उसने अपनी पतंग उठा ली है, तो फिर आया है वो, ये मैंने खींची बाहर को। और दोस्तों मैं उसके हाथ की तरफ का रुख दे रहा था,
लेकिन उसने अपनी पतंग थपथपा दी। तो यही होता है यार, अगर आप गलती करते हो तो आपकी पतंग कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पतंग कट के जा रही है वो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।